जय माता दी, जय माँ कामाख्या। जिस मनुष्य के जन्म पत्रिका के अनुसार केतु अष्टम भाव में होता है, केतु अष्टम भाव के अंतर्गत होता है, उस मनुष्य को गुदा की बीमारी होती ही होती है, गुप्त रोग उसको होता ही होता है। और उम्र भी कम होती है। लग्न पत्रिका के अनुसार यदि केतु आठवें भाव में बैठा हुआ हो तो आप ये मान करके चलें कि गुदा रोग होगा ही होगा। साथ ही साथ में उम्र भी कम होती है, इसका इलाज करके रखना चाहिए। तो सभी माता पिताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी अपनी पत्रिका भी चेक कर ले, परिवार के सदस्य की पत्रिका भी चेक कर ले कि केतु अष्टम भाव का तो नहीं है, और हो तो उसकी शांति करा के रखें, दान धर्म दे करके रखें, जप तप करा के रखें, क्योंकि गुप्त रोग अवश्य होता है। चाहे मूत्र मार्ग से संबंधित रोग होगा या गुदा मार्ग से संबंधित रोग अवश्य होगा ही होगा। उसके लिए भी पहले से थोड़ा सा होने पर ही उसका इलाज करा लें ताकि ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि केतु अष्टम भाव में गुप्त रोग देगा ही देगा, कोई नहीं रोक सकता। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।